नमस्कार साथियों, आज की वीडियो हमारी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर रहेगी। आजकल क्यों ऑटोमोबाइल में बहुत सारे जो जायंट्स हैं वो क्यों मूव कर रहे हैं हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की तरफ, तो आइए एक बार शुरू करते हैं। अभी जो हमारी करंट टेक्नोलॉजी चल रही है उसमें क्या है, पावर का सोर्स क्या है, इंजन। और जो हाइब्रिड है इसमें क्या होता है, इंजन प्लस मोटर। पावर पैक, बैटरी पैक बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, अदर कार्स की अपेक्षा या अदर टेक्नोलॉजी की अपेक्षा ये जो एवरेज है गाड़ी की वो 2x बढ़ जाती है, डबल टाइम बढ़ जाएगी। जब भी इंजन स्टार्ट होगा, ये गाड़ी स्टार्ट होती है, तो पहले पावर कहाँ जाएगी, मोटर में, मोटर के थ्रू स्टार्ट होगी। बट जैसे ही आप एक्सीलरेशन दोगे गाड़ी की, गाड़ी का स्पीड बढ़ाओगे, तो वो कनेक्टिविटी है वो सीधी इंजन से हो जाएगी। नॉर्मल स्पीड पे गाड़ी चलेगी मोटर के थ्रू, बट जैसे ही आपको हाई टॉर्क, हाई पावर, हाई स्पीड की ज़रूरत है, तो इंजन से कनेक्टिविटी हो जाएगी। वो डिसाइड क्या करता है, ये पावर के लिए यहाँ पे एक पावर पैक लगा होता है, ठीक है, वो डिसाइड करता है, बैटरी पैक से आगे लगा होता है, ये डिसाइड करता है कब गाड़ी को बैटरी से कनेक्ट करना है, कब इंजन से कनेक्ट करना है। जब जब गाड़ी इंजन से कनेक्टेड होगी, ठीक है, पावर इंजन से आ रही होगी, तो उस केस में क्या होगा, ये जो पावर पैक है ये बैटरी को चार्ज करता रहे, तो अल्टीमेटली जो पेट्रोल या जो भी आप फ्यूल यूज़ कर रहे हो उसकी जो आपकी कंजप्शन है वो 50% रिड्यूस हो जाएगी। एक स्पीड पे इंजन जब मान लो आपको 500 किलोमीटर का ट्रैवल करना है, तो हाईवे पे अगर मान लो आप नॉर्मल इंजन से भी पावर लेते हो हाई स्पीड में, तो 250 किलोमीटर के आसपास आप इससे, और उसके बाद जब उसी 250 के दायरे में आपकी मोटर फुल चार्ज हो जाएगी, फिर आप उसको कन्वर्ट करके मोटर में ले सकते हो। तो ये सारी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी होती है, आजकल सभी गाड़ियों में यही टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। इससे इसके एडवांटेज क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, इसका देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, एक तो पॉल्यूशन फ्री, मतलब पॉल्यूशन की जो परसेंटेज है वो रिड्यूस हो जाएगी इकोसिस्टम में। सेकंड क्या है, फ्यूल कंजप्शन। जो हाइब्रिड गाड़ियां हैं वो दूसरी कार्स की अपेक्षा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 2 से 3 लैक्स का डिफरेंस आएगा। अगर मान लो आप नॉर्मल कार लेते हो, तो वो अगर 8 से 10 लाख की है, तो ये आपको पड़ेगी 12 से 15 लाख के बीच में। आजकल आपने देखा होगा मारुति की बहुत सारी गाड़ियों में टोयोटा का लोगो लग के आता है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लेनो हो गई, ब्रेजा हो गई, विटारा ब्रेजा। इसका नाम चेंज होके ग्लैनो का, जब इसमें टोयोटा का लोगो लग जाता है, तो ये हो जाता है, इसका नाम चेंज होके ग्लैंजा। इस पे विटारा ब्रेजा पे जब टोयोटा का लोगो लगता है, तो इसका नाम हो जाता है अर्बन क्रूजर। तो ऐसे मारुति ने बहुत सारी गाड़ियों पे टोयोटा का लोगो लगा रही है, इसलिए उसके अगेंस्ट में जो टोयोटा है इसको क्या कर रहा है, इसको मदद कर रहा है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में। अब टोयोटा टोयोटा ऑलरेडी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को एस्टेब्लिश कर चुका है अपनी, कौन सी गाड़ी में, कैमरी में आप देखोगे ऑलरेडी इसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी
टोयोटा देगा मारुति को या सुजुकी को। तो इस बेसिस पे जो इनकी जो ये गाड़ियां हैं उन पे टोयोटा को सीधा सीधा रॉयल्टी जा रही है, इसका जो पैसा है वो टोयोटा को जा रहा है, जब टोयोटा का लोगो लग रहा है इस पे। तो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में ज़्यादा कुछ नहीं है, बेसिकली इंजन प्लस मोटर दोनों का कम्बिनेशन रहता है। तो आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें। धन्यवाद।